बीहड़ जंगल के अंदर चिड़ियों की चहकती आवाज और जानवरों के धधक के बीच भावर्धा में जल रहे हैं आस्था के जोत। गंडई नगर से लगे भड़बड़ी के बीहड़ जंगल के अंदर चिड़ियों की चहकती आवाज और जानवरों के दहक के बीच मां भावर्धा में आस्था के जोत जल रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते पिछले 3 साल से यहां ज्योति कलश स्थापित नहीं किया गया था, जो इस वर्ष स्थिति सामान्य होने के बाद फिर एक बार ज्योति जल रहे हैं। आपको बता दें कि नवरात्र के 4 दिन बाद यह ज्योति कलश का स्थापना किया जाता है, जहां दूर दूर से लोग आस्था के रूप में ज्योत जलाते हैं। इस वर्ष 51 लोगों के द्वारा ज्योत जलवाया गया है। ज्ञात हो कि यहां के राजा के वंशजों का यह कुल देवी है और ऐसा माना जाता है कि राजवंश के युद्ध काल में भरदाह माता ने विपरीत स्थिति में यह मधुमक्खी के रूप में झूम कर विरोधियों को परास्त करने में यहाँ के राजा का साथ दिया था और उस समय के राजा के राजपाट को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। तब से यहाँ के उनके वंशजों के द्वारा उस स्थल को भवरदाह माता के रूप में पूजा जाता है। वहीं उनको कुल देवी के रूप में भी मानते हैं और आज भी उनके वंश के युवराज देवेंद्र शाह खुसरो के द्वारा पहले पूजा अर्चना कर ज्योति कलश जलाया जाता है। यहाँ विगत कई वर्षों से ज्योति कलश की स्थापना किया जा रहा है। कितना भी आंधी तूफान हो जंगल के अंदर मगर ज्योत जलते रहते हैं और दिन रात सेवक जस गीत में सेवक करते हैं। गंडई से रवि राजा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।